नमस्कार। पानी माफ और बिजली हाफ के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। आज दिल्ली के अंदर कोरोना संकट है, दिल्ली के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत करके लोगों को मनमाने बढ़े हुए बिजली के बिल भेज रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो फिक्स चार्जेस उनको भेजे जा रहे हैं, जो बिजली उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की, जो फैक्ट्रियां, जो दुकानें, जो ऑफिसेज पिछले 3 महीने से बंद पड़ी हैं, उनके भी फिक्स चार्जेस के नाम पर दिल्ली सरकार बिल बिजली कंपनियों के माध्यम से भेज रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने बिजली जन आंदोलन का प्रारंभ किया है और कल हम लोग सभी बिजली दफ्तरों पर, डीआरसी के दफ्तर पर मैं स्वयं, हमारे साथ नेता विपक्ष और सांसद वहां मौजूद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और बिजली कंपनियों की जो मिलीभगत है, जिसके माध्यम से दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हम बिजली के बिलों को आधा करेंगे, और आज जब लोगों की मदद की जरूरत है, ऐसे में वो बिजली कंपनियों के साथ मिलकर बिल भी भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ उनको डिसकनेक्शन के नोटिस भी आ रहे हैं। ऐसे में मैं दिल्ली सरकार को चेताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे, और किसी भी उपभोक्ता का, जो दिल्ली की जनता है, इस कोरोना संकट में ऑलरेडी से वो आर्थिक संकट से जूझ रही है, ऐसे में उनको डिसकनेक्शन नोटिस भेजा गया, और उनको अगर डिसकनेक्शन करने के लिए बिजली के कर्मचारी आएंगे तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम किसी भी व्यक्ति का डिसकनेक्शन नोटिस होने नहीं देंगे, डिसकनेक्शन होने नहीं देंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इस आंदोलन में, जिसमें हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि आप फिक्स चार्जेस वापस लें, बढ़े हुए बिजली के रेट वापस लें, और इस कार्रवाई को तुरंत करें, इसके लिए आपका सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आपके सहयोग समर्थन से हम इस आंदोलन को निर्णय तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।